पॉलिटिकल इंद्रजीत अपना एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों चलिए आज हम लोग जानेंगे ये नार्सिसिज्म क्या होता है। आप लोग सुना होगा नार्सिसिज्म सुना होगा आप लोग ना, वो क्या होता है। एक्चुअली ये नार्सिसिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिरेशन ऑफ वन सेल्फ एंड वंस फिजिकल अफेयरेंस, अपना बारे में खूब तारीफ करना, हमेशा अपना ही लिए सोचना, दूसरों को नीचा दिखाना, ऐसा वाला व्यक्ति को हम लोग नार्सिसिस्ट बोलता है। और जो ये करता है ये सिस्टम को हम लोग नार्सिसिज्म बोलता है। आप एक तरफ से इसको सेल्फिशनेस भी बोल सकता है, सेल्फिशनेस होता है ना, या तो सेल्फ सेंटर्डनेस भी बोल सकता है। और न्यूरोबायोलॉजी से बोलने से तो ये कनेक्शन बिटवीन ये है ब्रेन और उसका ह्यूमन का जो बिहेवियर है और उसका जो थिंकिंग, ये तीनों कंबाइन होकर ये लोग ये चीज़ बनाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये नार्सिसिज्म ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। आप इस तरह के जो लोगों को पहचान सकते हैं। आप ये हमेशा अटेंशन सीकर्स होते हैं, आप समझ गया होगा ना, हमेशा उसको अटेंशन चाहिए। ये हमेशा अपने आप को परफेक्ट दिखाने का चाह होती है और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। दूसरों का प्रति सद्भावना या तो एम्पैथी बोलते हैं ना वाला कोई भी इमोशन नहीं होता है उसके पास। ऐसा आदमी फिर भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बॉस बनने की आदत होती है उसके पास। और एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि आजकल जो है ना दुनिया का 2% लोग ये हो रहे हैं इस मेंटल प्रॉब्लम से, सब पीड़ित है बोलते हैं 2% लोग दुनिया का। आप अपना घर, अपना ऑफिस, अपना फ्रेंड सर्कल्स में भी ये जो नार्सिसिज्म से जो पीड़ित वाला है उसको, वो व्यक्ति को आप पहचान सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को तारीफ करता है या तो अपने आप को सुंदर और बेहतर बताता है ना, वो इस बीमारी से पीड़ित है, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है वो। लेकिन वो क्या करेगा, हमेशा सामने वाला को नीचा दिखाएगा। ऐसा लोग भी होता है ना दोस्तों, आप लोग भी अभी सोच रहा होगा मेरा कौन कौन दोस्त, मेरा कौन कौन स्टाफ में कौन कौन ऐसा है, सोच रहा होगा ना। वो ये बीमार से मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। सामने वाला अगर आगे बढ़ेगा तो भी वो अपने आप को कूरता रहेगा, वो गुस्सा करते रहेगा, वो हमसे कैसे आगे निकल गया, आई एम द परफेक्ट वन, हम उससे बहुत बेहतर है, वो कैसे आगे निकल गया, वो हमेशा ऐसे सोचेगा। ऐसा क्यों होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर क्यों होता है, ये नार्सिसिज्म क्यों होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो लिखा है उन लोग ये बताता है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो बचपन में जो रिजेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है ना, रिजेक्शन टुकराना, जो रिजेक्शन का एक्सपीरियंस है उसको ये बीमार हो जाता है बोलता है। रिजेक्शन वाला जो ट्रामा होता है ना, उसे नार्सिसिस्ट बना देता है वो आदमी को, उसका जो वो ऑटोमेटिक आ जाता है उसका पास ये बिहेवियर जो है वो आ जाता है, क्योंकि उसको बचपन में बहुत रिजेक्ट किया या तो उसको बहुत चढ़ा के रखा है छोटा में, माँ बाप या फ्रेंड्स या जो भी हो उसको ऊपर उठा के रखा है, या तो उसको बहुत रिजेक्ट कर दिया, उसको टुकड़ा दिया, उसका चाइल्ड एक्सपीरियंस ऐसे हो जाता है बोलते हैं। वो माने वो रिजेक्शन से वो उसका डर, रिजेक्शन का डर जो है बैठ जाता है उसके पास। तो वो डर के कारण क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसके पास ये बिहेवियर आ जाता है, वो नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर जो आ जाता है उसके पास। वो हमेशा क्या करता है, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये वाला चीज़ उसका दिमाग में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो नार्सिसिस्ट बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको ऐसा व्यक्ति को अगर आपका फ्रेंड है तो उसको सीधा उसको आप बता देना चाहिए, काउंसलिंग करके आप बता देना चाहिए कि आप ऐसा है, नहीं तो आप सेकेंड स्टेप भी ले सकता है, या तो ऐसा आदमी से दूरी रखना ही बेहतर है आपके लिए, कुछ फ़ायदा नहीं है।
नार्सिसिस लोग क्या होता है कि बहुत आगे बढ़ जाता है, बोलते हैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है उन लोग, लेकिन लाइफ में बहुत अकेला पड़ जाता है उन लोग। उसको सब साथी, सब जितना भी उसका फ्रेंड साथ मिले उसको एवॉइड करने लग जाता है, तो लाइफ में वो अकेला हो जाता है लास्ट में, आप देख सकता है। आगे तो वो बढ़ता है, उसका जो हिम्मत है ना उसको आगे बढ़ा देता है, लेकिन वो लाइफ में अकेला हो जाता है लाइफ में। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक का ये मतलब है आज का, अगर आपका फैमिली में, आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है तो आप उसको मदद कीजिए, या उस डायरेक्ट बताइए, या तो उससे दूरी रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना तक, थैंक यू।